9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर कोरिया को सबक सिखाने के मकसद से दक्षिण कोरिया ने दोनों देशों के बीच हुए शांति समझौते को निलंबित करने की घोषणा कर दी है। उत्तर कोरिया बीते कई दिनों से दक्षिण कोरिया की ओर कचरे से भरे गुब्बारे उड़ा रहा था। लोकसभा रिजल्ट से एक दिन पहले शेयर मार्केट में 2700 अंक का उछाल आया है। निवेशकों ने 12 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं निफ्टी ने भी 808 पॉइंट की तेजी के साथ 23338 का ऑल टाइम हाई बनाया। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजा आने से पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एग्जिट पोल बंद कराने की मांग की है। उनका कहना है कि ये एग्जिट पोल बेबुनियाद होते हैं। भोपाल नगर निगम के 65 साल के रिटायर्ड कर्मचारी की युवकों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। मृतक ने आरोपियों से खेत में नशा करने से मना किया था। रतलाम में कई लोगों से अफेयर के शक में शादीशुदा महिला की उसके प्रेमी ने गला घोटकर हत्या कर दी। शव 40 किलोमीटर दूर झाबुआ जिले में माही नदी में फेंक दिया। मुंबई के अंधेरी ईस्ट से भागकर ग्वालियर आए 4 बच्चे माधव बाल निकेतन की केयरटेकर के घर मिल गए हैं। ट्रेन में बच्चों के साथ उनकी सौतेली माँ थी, पर वो खंडवा में उतरकर भाग गई। रवीना टंडन के साथ हुई मारपीट वाले वीडियो के बाद अब कंगना रनौत का पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने सपोर्ट करते हुए आरोपियों के खिलाफ एक्शन की मांग की है। भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने आखिरी बार 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में भारतीय टीम के लिए इंटरनेशनल मैच खेला था। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने 3 जून से दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं।